अच्छा, लास्ट लास्ट में एक डाउट पूछा था किसी ने भी, बताओगे क्या था? ए प्लस वुड गिवन था, सर हाँ वो पता चल गया उसमें, मेरे को। हाँ उसमें इक्वल टू नहीं आएगा बेटा, उसका एक एग्जांपल लेकर भी देख सकते हैं। जैसे बोलना क्वेश्चन क्या था, बता देता हूँ बाकियों को भी। ए बी एंड सी आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर। यस और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सी स्क्वायर का वैल्यू 1 था, राइट? सर। और ए बी सी तीनों कैसे हैं पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमें निकालना था ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट, का वैल्यू यस बताना था क्या होगा। तो हमने क्या किया था, लाइक अगर ए एम और जी एम वाला इनइक्वालिटी यूज करते हैं, तो हमने करा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू डिवाइड बाई टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट, राइट। मैंने क्या बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्री, ठीक है बेटा, ये याद रखना है। तो अगर दो नंबर लिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो उनका अर्थमेटिक मीन आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। इसी तरह से आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2bc, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2ac। ऐड करोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। 2 से 2 काट दोगे, ये आपको पहले से पता है 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। अब इक्वल टू हो सकता है या नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शन में आपने बताया था इक्वल टू भी गिवन था और लेस देन भी था, तो ये तो कंफर्म है कि 1 से बड़ा नहीं होगा, ये तो पक्का है। अब एक एग्जांपल ले लो, ए का वैल्यू ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का वैल्यू 1 करना है, तो लेट्स से ए का वैल्यू ले लेते हैं 1/2, बी का वैल्यू भी ले लेते हैं 1/2, सी का वैल्यू ले लेते हैं 1/√2, क्या इन तीनों का स्क्वायर बना देगा, 1/4, 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा 1, यस सर। ठीक है। और आप बाकी टेस्ट भी कर सकते हो कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या आ रहा है, ये लेस देन 1 ही आ रहा होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो, तो इसमें आंसर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन, यही था लेस देन 1। यस सर, आंसर यही था। ठीक जो है, सर चलिए सर। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, दोनों में उन्होंने ऐसे किया था कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, उन्होंने फिर उसमें इक्वल टू स्टेंट लगाया था क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट है, तो जो स्क्वायर है क्योंकि वो हमें स्क्वायर। पहले से ही, क्योंकि हमें ये पहले से ही बात पता है कि भाई सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर हैं। एक बात याद रखना, जब बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसमें 0 इंक्लूड करते हैं या नहीं करते, ये बता दो। हाँ, नहीं करते 0 से बड़ा ही मतलब बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। कई जगह पे ना, कई जगह पे आप बुक में देखोगे, पता नहीं, बहुत रेयरली किसी बुक में ऐसा भी होगा कि उन्होंने 0 को भी इंक्लूड करा होगा, तो बहुत ध्यान रखना। लेकिन ऑफिशियली लाइक जो लाइक प्रॉपर डेफिनेशन है फॉर्मल, वो यही है, 0 इंक्लूड नहीं करते बेटा, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्पोजिट फंक्शन। इससे पहले मैंने बताया था कॉम्पोजिट फंक्शन या नहीं किया हमने कवर, कुछ आइडिया कि कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? फॉग हाँ, फॉग ऑफ तो ठीक है, लेकिन बेसिकली मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब अगर वैसे बोलूं इनफॉर्मली कि होता क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो फॉग गॉग वो भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन होंगे, मतलब फंक्शन का फंक्शन एक और। तो अब सेम फंक्शन का भी फंक्शन हो सकता है, डिफरेंट वाले का भी हो सकता है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब जैसे मैंने एफ एक्स लिया एक्स प्लस 1, और जी एक्स ले लिया मैंने 2x+3, और मैंने कहा क्या निकालो, एफ ऑफ जी निकालो। अब एफ ऑफ जी लिख दो, एफ ऑफ जी एक्स लिख दो, या फिर एफ ब्रैकेट में जी एक्स लिख दो, ये सारे एक ही बात है, ठीक है। तो पहले बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि क्या ये फॉग का मतलब है, एफ ऑफ जी एक्स जो बीच में और लिखा है, मतलब उसका मतलब होता है कि बेसिकली जी जो है, जो जी फंक्शन है जी एक्स, वो एक तरह से एफ एक्स का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एफ एक्स लिखते हैं, तो इसका मतलब अगर मैं एक्स में 1 पुट कर दूं, तो 1+1 2 कह दोगे आप आंसर, है ना। जी एक्स में आप, मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो जी 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि बेसिकली इनपुट की वैल्यू हम एक्स की वैल्यू रिप्लेस करके फंक्शन की वैल्यू निकालते रहते हैं। इसी तरह से अब क्या हुआ, जब हम फॉग निकाल रहे हैं, तो क्या बन गया, ये जो जी एक्स है, ये बेसिकली फंक्शन का इनपुट बन गया। तो अगर मैं आपसे कहता कि एफ ऑफ 1 निकालो, तो आप कहते 1+1, एक्स की जगह 1 पुट करके 2 बोल देते। अब मैं कह रहा हूं कि क्या निकालो, एफ ऑफ जी एक्स निकालो, तो पहले जी एक्स बता दो कितना है,
जी एक्स की वैल्यू है 2x plus 3, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2x plus 3, मतलब जो gx का आउटपुट है, gx का जो आउटपुट है पूरा का पूरा, gx बेसिकली क्या पूरा आउटपुट है y की वैल्यू, वो पूरी की पूरी क्या बन जाएगी इनपुट बन जाएगी fx के लिए। और यहां से हम कैसे निकालेंगे, जैसे f1 निकाला बिल्कुल वैसे। अब आप क्या करोगे, जहां पर भी x1 लिखा हुआ था fx में, fx में x की जगह बस आप रिप्लेस किससे कर दो, 2x plus 3 से रिप्लेस कर दो, समझ में आया, तो 2x plus 3 से रिप्लेस करोगे तो x की जगह 2x plus 3 और plus 1 तो पहले से लिखा हुआ था, तो आंसर आ जाएगा 2x plus 4, समझ में आया, बोलो भी सभी को क्लियर है। तो ये बेसिक लाइक कॉम्पोजिशन है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आता है, ये तो समझ में आया सभी को। अब इसी तरह से अगर मैं उल्टा बोल दूं, कोई बताएगा जल्दी से, बता दो गॉफ क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स बता दो जल्दी से कितना आएगा निकाल के, जी ऑफ एफ एक्स कितना आएगा, 2x plus 5, 2x plus 5, क्योंकि हम क्या करेंगे एफ एक्स जो है वो है हमारा x plus 1, और उसको कहां रखेंगे, जहां पर जी एक्स में x लिखा हुआ है, जहां पर जी एक्स में x लिखा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 2x plus 2, दोनों से मल्टीप्लाई होगा और प्लस का 3, तो बिल्कुल ठीक है 2x plus 5 आएगा। सभी को क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि फंक्शन ऑफ, अच्छा इसी में फिर मैं फॉफ बोल दूंगा, फॉफ का मतलब हो गया एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब सेम फंक्शन का ही दोबारा एक और फंक्शन, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया, ये सभी को आगे बेटा समझ में कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आता है लेट से, अब डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं, ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन ऐसा भी तो होगा कि कभी डिफाइंड ही ना हो फॉग या गॉफ, तो वो भी तो देखना पड़ेगा कंडीशंस क्या है। तो डोमेन और रेंज पे कंडीशंस क्या है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, चलो पहले एक सिंपल सा लेते हैं क्वेश्चन समझने के लिए। मान लो मैंने एफ एक्स दिया, एफ दिया मैंने आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ एक्स कितना, पी एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू, और कहा कि फॉर सम पॉजिटिव पी, मैंने कह दिया जो पी एक्स है वो कुछ ऐसा है जिसमें पी क्या है एक पॉजिटिव आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया, और मैंने कहा कि आल्सो कंडीशन क्या दी कि एफ ऑफ एफ जो है रूट टू दैट इज इक्वल टू माइनस रूट टू, फाइंड करना ए का वैल्यू, ए नहीं सॉरी पी का वैल्यू। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे फॉफ, फॉफ ऑफ पहले तो एक्स ही निकालेंगे, क्या आएगा एफ ऑफ एफ एक्स, बताओ कैसे करें, क्या लिखते हैं भाई में, क्या लिखते हैं px स्क्वायर माइनस रूट टू। अब यही वैल्यू कहां पुट करनी है, fx में पुट करनी है जहां पर भी x लिखा हुआ है दोबारा, तो क्या आएगा, क्या लिखा जाएगा, जहां पर भी x लिखा हुआ है, जहां पर भी x लिखा हुआ है fx में, वहां पर ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा, ये तो क्या आएगा p टाइम्स ब्रैकेट में क्या आएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू और इस पूरे का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह और माइनस रूट टू, ठीक है भाई, यहां तक आया बेटा सभी को समझ में, यस ठीक है। अब ये इक्वल टू भी दिया हुआ है, किसके इक्वल दिया हुआ है, उन्होंने खुद ही बोला हुआ है किसके इक्वल है, अच्छा इक्वल टू से पहले ये तो हमारा एफ ऑफ एफ एक्स आया ना, अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट क्या करनी है, इनपुट क्या लेना है, इनपुट लेना है हमें रूट टू, कर दो पुट x की जगह रूट टू पुट कर दो, क्या आएगा x की जगह हम इसमें रूट टू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा p रूट टू का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है भाई, माइनस का रूट टू का होल स्क्वायर माइनस रूट टू, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ये हमें इक्वल टू दिया हुआ है माइनस रूट टू, लिख गया माइनस रूट टू, ये दोनों तो कट गए, क्या आ गया p टाइम्स 2p माइनस रूट टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या होल स्क्वायर ओपन करने की जरूरत है, क्या होल स्क्वायर ओपन करें या नहीं करें, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ पड़ा और इक्वल टू में जीरो है, तो नल फैक्टर लॉ कहता है कि अगर भाई दो या दो से ज्यादा चीजों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इधर वन ऑफ देम इज जीरो, तो या तो पी जीरो होगा या टू पी माइनस रूट टू जीरो होगा। अब पी जीरो तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला था सम पॉजिटिव पी, पहले से बोला उसने नेगेटिव वैल्यू भी नहीं और जीरो भी नहीं होगी, यानी कि पी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई रूट टू डिवाइड बाई टू दैट इज वन बाय रूट टू, ऐसे लिख के छोड़ दो रूट टू बाई टू, ठीक है क्लियर बेटा सभी को, yes,
ठीक है, अब छोटा सा फिर एक डोमेन और रेंज पे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है रूट एक्स और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है रूट टू माइनस एक्स। इस बार मैंने एफ और जी का क्या करा, डोमेन वगैरह नहीं बताया मैंने कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, आपको बताना है फाइंड डोमेन ऑफ, पहला लेते हैं हम फॉग एक्स, फॉग एक्स का डोमेन निकालना। तो पहले फॉग एक्स कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, एफ और जी एक्स की जगह रख देंगे रूट टू माइनस एक्स और फिर फंक्शन में एफ एक्स में एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे रूट टू माइनस एक्स से। तो क्या बन जाएगा आंसर, रूट ऑफ, दोबारा रूट आ जाएगा है ना भाई, क्योंकि पहले से एफ एक्स रूट एक्स लिखा हुआ है और आपका जो इनपुट है वो भी रूट टू माइनस एक्स है, तो एक्स को रिप्लेस करोगे तो रूट ओवर रूट आ जाएगा, ये आ गया। अच्छा दो बार रूट रखने का मतलब पावर कितनी होती है, 1/4। 1/4, क्योंकि रूट का हाफ पावर होती है, हाफ की भी हाफ है तो 1/4। अब इसका डोमेन बताना है तो इसका डोमेन बता दो कैसे निकालें, इसका डोमेन कैसे निकालें, क्या लिखे आंसर, एक्स देन और इक्वल टू टू, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। अच्छा आपने इसलिए बोला क्योंकि भाई फोर्थ रूट है, मतलब इवन वाला रूट होता है, तो फिर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए अंदर, है ना, जैसे स्क्वायर रूट में करते हैं। क्यूब रूट में, फिफ्थ रूट में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ध्यान रखना। ऑड रूट जो लेते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऑड पावर हम ले रहे हैं जैसे क्यूब रूट ले रहे हैं, फिफ्थ रूट ले रहे हैं, सेवंथ रूट, उनमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स रूट होगा तो उनमें हमें ध्यान रखना है कि अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप ये रख दोगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू टू, लेस देन इक्वल टू टू आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू टू, लेस देन आएगा ना, तुमने शायद ग्रेटर देन बोला था ना, यस सर, तो ऐसी छोटी मोटी गड़बड़े नहीं भाई, बताया था ना आराम से ध्यान से, वो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप होता है अगर माइनस है तो, ध्यान है ठीक है। अच्छा ये तो हमने डायरेक्टली कर दिया, पर एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, जैसे जब हम लेते हैं फंक्शन फॉग लिया, ये निकाला हमने, तो इसमें भाई सबसे पहले एक्स किसके लिए जाएगा, जी एक्स के लिए जाएगा ना, मतलब जो इनपुट बनेगा एक्स वो किसके लिए बनेगा, पहले एक्स जी एक्स के लिए बनेगा, जो जी वाला फंक्शन हमारा उसके लिए इनपुट बनेगा, तो इसका मतलब जो जी फंक्शन है जी एक्स ये भी तो डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि भाई फॉग का तो आंसर तभी निकलेगा ना जब आपका जी एक्स डिफाइन होगा, तो जी एक्स कितना है टू माइनस एक्स, तो यानी कि ये भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहां से भी वही आंसर आया, तो यानी कि दोनों बातें सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि फॉग निकाल दिया हमने और उसका डोमेन आ गया तो हम कह देंगे आंसर यही है, तो दोनों बातें देखनी पड़ेंगी और दोनों का कॉमन जो होगा आंसर वो होगा हमारा डोमेन, तो यहां पर तो दोनों में सेम बात आ रही है इसलिए यही आंसर लिख दिया हमने, एक्स लेस देन इक्वल टू टू। ठीक है भाई समझ में आ गई सभी को, अब ये जो मैं बात बोल रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो सेम हो गया जी एक्स का जो डोमेन था और जो फॉग का है वो सेम हो गया, तो आंसर यही लिख देंगे हम, जी का करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मान लो ऐसा क्वेश्चन आया एफ एक्स दे रखा है हमें 1/2x और जी एक्स दे रखा है हमें 1/x और मैंने कहा फाइंड डोमेन फॉर एफ ऑफ जी एक्स यानी कि फॉग, फॉग का डोमेन निकालना है, तो सबसे पहले मैं नोटिस करा कि भाई फॉग निकाल लेता हूँ, क्या आएगा एफ ऑफ जी एक्स मतलब 1/x, हमारा फॉग निकल रहा है और 1/x पुट करेंगे इधर, तो कोई बताएगा जल्दी से क्या आएगा, अगर x की जगह 1/x पुट कर देंगे 1/2x में तो क्या आंसर आ जाएगा, वेरी गुड एक्स बाई टू आ जाएगा। अब अगर मैं इसको देखकर फॉग को देखकर अगर बोलूँ डोमेन क्या होगा, तो इसको देखकर तो आप बोल दोगे कि एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, राइट होना चाहिए, नहीं yes, sir. बताओ बताओ, तो अब ये आंसर ठीक है या नहीं है, तो एक ऑप्शन गिवन है x belongs to any real number, बी ऑप्शन गिवन है x belongs to all real number except zero, सी ऑप्शन है x belongs to all positive real number, एक पॉजिटिव नहीं ये तो एक ही बात हो जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 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 जीरो एंड वन और डी है नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन इसमें से सही होगा, भी तो देखकर ही पता लग रहा है कौन सा आंसर सही होगा,
बी बी आंसर सही होगा. रीजन क्योंकि हमने फॉग की जो वैल्यू निकाली है भाई, ऐसा थोड़ा ना कि जो एक्स है वो सीधा ही फॉग का इनपुट बन गया, पहले तो वो जी एक्स का इनपुट बना, क्योंकि मतलब हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि फॉग है क्या बेसिकली. फॉग ऐसा नहीं है कि वन एक्स बाई टू आ गया तो ओरिजिनल फंक्शन ये एक्स बाई टू ही था, नहीं ऐसे नहीं हुआ. स्टार्टिंग जहां से करिए वहीं से चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो फॉग जो है वो दो स्टेप में आता है. कैसे? पहले जी का इनपुट एक्स लिया जाता है और जी एक्स का वैल्यू आउटपुट आता है, फिर जो जी एक्स का आउटपुट आता है वो एफ फंक्शन के लिए इनपुट बनता है और फिर एक आउटपुट आता है. तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली एक आउटपुट आ जाता है एक्स डालने से, नहीं ऐसा नहीं है. वो तो हम लिख देते हैं डायरेक्टली कि एक्स बाई टू आया, लेकिन एक्स पर रिस्ट्रिक्शन है. अगर सीधा एक्स बाई टू कोई फंक्शन, सिंपल एक फंक्शन बोलूं, तब तो मैं कहूंगा एवरी रियल नंबर. लेकिन फॉग अगर करके दिया है तो इसमें आपको पता है कि एक्चुअली प्रोसेस क्या है, कि भाई जो एक्स है वो पहले जी का इनपुट बनता है, उससे आउटपुट आता है. तो आपने नोटिस करा कि यार जी एक्स जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है 1/x, और 1/x में x की वैल्यू आप कह रहे हो एवरी रियल नंबर, उसमें आपको पता है कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड. तो अगर मैं जी एक्स में x की वैल्यू जो स्टार्टिंग जहां से हुई है, अगर x की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो सोच के देखो, अगर जी एक्स नॉट डिफाइंड हो गया तो जी एक्स का 0 के लिए आउटपुट ही नहीं आएगा, और जब आउटपुट नहीं आएगा तो फिर फॉग तो निकलेगा ही नहीं. आई बात समझ में? यस सर. क्लियर बेटा सभी को? तो इसलिए तो आपको याद कर रखना है. अब वो मैं कंडीशन लिखवा रहा हूँ, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट. नहीं तो अगर ये याद नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर करके आओगे. अब ये लिख लो, ये मेन है. अब जो मैं बता रहा हूँ, मान लो कोई भी फंक्शन, जैसे हमें फॉग निकालना है, मैं फॉग के लिए ले रहा हूँ, फॉग मतलब एफ ऑफ जी एक्स. इसके लिए आप जब भी डोमेन निकालोगे इसका, डोमेन फॉर फॉग, तो आपको क्या बातें याद रखनी, कंडीशन क्या है. पहली कंडीशन है कंडीशंस टू डिफाइन फॉग. पहली कंडीशन है एक्स शुड बी, आपको क्या इंश्योर करना है कि एक्स शुड बी डोमेन, एक्स शुड बी इन डोमेन ऑफ जी एक्स. मतलब क्या है इसका भाई, जो आप जब आपने फॉग का डोमेन निकाला तो उसका डोमेन निकालने से आपको पहले ये इंश्योर करना है कि भाई जो आपने डोमेन बोल दिया वो डोमेन जो एक्स है वो जी एक्स का डोमेन में आ रहा है नहीं आ रहा है. मतलब जैसे मैंने क्या लिया, ऊपर वाले क्वेश्चन में मेरा आंसर आया एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू को देखकर मैंने बोल दिया भाई एक्स की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है. फिर मैंने अब कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन. क्या पहली कंडीशन लगाई, कि जो मेरा एवरी रियल नंबर मैं बोल रहा हूँ एक्स की वैल्यू, क्या वो जी एक्स के डोमेन में है. तो मैंने नोटिस करा कि जी एक्स जो लिखा था वो लिखा था 1/x, और मेरा आंसर मैंने बोल दिया एवरी रियल नंबर. तो मेरा जो एक्स है सारे के सारे एक्स जी एक्स के डोमेन में नहीं आते. क्यों? क्योंकि जी एक्स के डोमेन में जीरो नंबर, जो जीरो होगा वो नहीं आएगा. मतलब नॉन जीरो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए. तो पहली ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई करानी है. सेकेंड चीज क्या है, जो जी एक्स का आंसर आएगा, क्योंकि जी एक्स का जो आउटपुट होगा वो आपका एफ का क्या बनेगा, इनपुट बनेगा, है ना. तो जी एक्स क्या होना चाहिए, शुड बी इन डोमेन ऑफ एफ एक्स, वो एफ एक्स का डोमेन में होना चाहिए. आई समझ में बात भाई, जो जी एक्स का आंसर आएगा, मतलब जो जी एक्स से आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट आपका इनपुट बनेगा किसका, एफ एक्स का. तो जो एफ एक्स का हमारा डोमेन है, जो एफ एक्स का डोमेन है उसमें जी एक्स का जो आपने आंसर निकाला है वो होना चाहिए. इसका मतलब इसको इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि क्या लिखें इसको, ऐसे लिख देते हैं, रेंज ऑफ जी एक्स इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ एफ एक्स. समझ में भाई, जो जी एक्स का आंसर आएगा वो आपके एफ एक्स के डोमेन में होना चाहिए, और जी एक्स का आंसर मतलब जी एक्स का रेंज, राइट, यही बोल रहे ना, बोलो भाई. ठीक है, यस सर. ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको क्या करनी है, इंश्योर करनी है जब आप कोई भी कॉम्पोजिट फंक्शन डिफाइन करोगे. ये तो मैंने फॉग के लिए करा है, तो आप ये मत सोच रहे ना गॉफ के लिए होगा, गॉफ के लिए उल्टा हो जाएगा सब. तो इसको ब्लाइंडली भी मत रटो कि सर ने ये वाले लिखी थी कंडीशन, क्योंकि इसमें एफ और जी, वो तो पेपर में कुछ भी बोल देगा, एच एक्स भी बोल देगा, कुछ और फंक्शन भी बोल देगा. तो फॉग के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर फॉग डिफाइन कर रहे हैं तो एक्स जो है वो पहले किसका इनपुट बनता है, जी एक्स का. तो पहले आपको ये इंश्योर करना है कि जो फॉग आपने निकाला है, आंसर निकाला है, वो आंसर में जो एक्स आप बोल रहे हो वो क्या होना चाहिए, जी के डोमेन में होना चाहिए. मतलब जी का जो होना चाहिए वो डोमेन में आना चाहिए एक्स की वैल्यूज. अगर कुछ वैल्यूज बाहर हैं तो उनको हटा देंगे हम, डिस्कार्ड कर देंगे. दूसरी चीज,
जो जी एक्स का आंसर आएगा वो एफ के डोमेन में होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। थोड़ा सा यहां तक समझ में आ गया बेटा सभी को कि जो मैंने कंडीशन बोली है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ठीक है। अब एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। इसी का एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट से एफ एक्स लिया मैंने लॉग 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 हाफ बेस टू माइनस एक्स और जी एक्स ले लेते हैं रूट एक्स। ठीक है एफ एक्स ले लिया लॉग हाफ बेस टू माइनस एक्स का और जी एक्स ले लिया रूट एक्स और मैंने कहा आपको डोमेन बताओ फॉग का क्या होगा। तो पहले तो आप फॉग निकाल लो क्या आएगा तो बताएगा फॉग क्या होगा। एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना है रूट एक्स, रूट एक्स आपने रख दिया यहां पर लॉग टू माइनस रूट एक्स विद बेस हाफ है ना। ठीक है यहां तक ठीक है इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है अब आपको डोमेन निकालना है तो अब आपको डोमेन निकालने के लिए मैंने जो दो कंडीशन बोली थी वही लगा दो। तो क्या लगाओगे कंडीशन बताओ क्या बोला था मैंने कि जब आप एफ ऑफ जी ले रहे हो तो उसमें जी का जो पहले फंक्शन जो इनपुट बनेगा वो जी एक्स का इनपुट बनेगा एक्स। तो एक्स के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है पहले जी के ऊपर जो जी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसको क्या रेस्ट्रिक्शन लगानी है हमें कि एक्स शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये ठीक है यस सर बोलो भाई। ठीक है भाई ये डिफाइन ही तभी होगा जब एक्स क्या होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है दूसरी चीज बताओ दूसरी चीज क्या बताई थी मैंने दूसरी चीज क्या थी हमारी कंडीशन कि जो जी एक्स का आंसर आएगा वो एफ के डोमेन में होना चाहिए राइट। तो रूट एक्स का जो भी आंसर आएगा वो एफ एक्स के डोमेन में आना चाहिए। अब एफ एक्स का डोमेन कोई बताएगा क्या है बताओ भाई अच्छा पहले मुझे गॉफ का ही ये जो मैंने फॉग निकाला है इसका ही डोमेन बता दो। चलो क्या आएगा जो मैंने फॉग निकाला है इसका डोमेन बता दो क्या आएगा जो ये टू माइनस रूट एक्स है इस पे क्या कंडीशन लगाओगे टू माइनस रूट एक्स पे क्या कंडीशन लगनी चाहिए भाई क्योंकि लॉग कब डिफाइन होता है याद है बोल दो भाई बोल दो। ओके काफी का आंसर आया है जीरो टू फोर एक्सेप्ट वन। वन नहीं होना चाहिए क्यों भाई क्यों भाई वन क्यों नहीं ये भी बताओ वन क्यों नहीं भाई रूट वन वन आएगा और टू माइनस वन वन होता है तो लॉग वन जो होता है वो डिफाइन नहीं होता ये कह रहे हो आप सर वो थोड़ा सा मतलब लॉग के अंदर वाली टर्म वन तो उसकी डिमांडिंग क्या करो गलत है हाँ तो अब क्या कंडीशन लगेगी इसमें मतलब टू माइनस रूट एक्स क्या होना चाहिए बस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए राइट यही कंडीशन होगी ना yes. है कि नहीं yes. तो क्या आएगा इससे आंसर बता दो तो क्या आएगा आंसर रूट एक्स मतलब आप कह रहे हो लेस देन टू रूट एक्स अगर लेस देन टू है तो एक्स कहां से कहां तक होगा लेस देन क्या होगा फोर ये ठीक है अच्छा लेकिन हमने लेस देन तो बोल दिया फोर से लेस होना चाहिए लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू तो बताएंगे कहां से कहां तक कहां से कहां तक होना चाहिए जीरो हो सकता है जीरो पे इक्वल टू भी लगा दूंगा क्यों क्योंकि जीरो चल जाएगा ठीक है क्योंकि रूट एक्स जो है वो जीरो आ सकता है और टू माइनस जीरो करके टू आ रहा है तो वो भी डिफाइंड है बात समझ में सर सर वो भी तो होगा पर एक्स नॉट इक्वल टू ना होगा वो भी क्या है एक्स 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 नॉट इक्वल टू वन होगा क्यों होगा क्यों होगा ये भी रीजन तो सर क्यों आपने कहा एक मिनट मैंने ले लिया टू और रूट वन लिया रूट वन वन आएगा लॉग हाफ वन विद बेस हाफ तो आप कह रहे हो ये डिफाइंड नहीं है ये कह रहे हो क्या लॉग वन नहीं होता है नॉट डिफाइंड ये कह रहे हो आप बोलो बोलो कब है सर वो बेस पर होती है पर कंडीशन कि बेस वन नहीं होता। हाँ यार बेस को इससे कंफ्यूज मत करो ना भाई बेस वन नहीं होता और जीरो और वन के बीच में होता है या वन से बड़ा होता है लॉग वन तो निकल सकता है ना इसमें क्या प्रॉब्लम है ठीक है
यस सर लॉग वन तो विद एनी बेस जीरो होता है, पता है? लॉग अगर बेस चाहे कुछ भी हो, वैसे जो बेस के ऊपर कंडीशन है वो तो लगेगी कि भाई बेस वन नहीं होना चाहिए और जीरो वन के बीच होना चाहिए, वन से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो क्या हो सकता है भाई, बस जीरो से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, और वन पे क्या होता है सभी का लॉग जीरो होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, अब ये जो मेरा डोमेन आया है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि जीरो से लेकर फोर तक, जीरो इंक्लूड, फोर इंक्लूड नहीं है, अब इसमें जो मैंने कंडीशन बताई थी ना वो दो चेक कर लो जल्दी से। क्या चेक करनी है कि क्या जो ये जो आप बोल रहे हो कि x 0 से लेकर 4 तक, इसमें सारी वैल्यूज जो हैं क्या वो x जो है वो डोमेन ऑफ g बनता है? तो हमने देखा यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई ये जो आपका आंसर आया है ये वाला पार्ट फर्स्ट इक्वेशन से, इसको मैं चलो सेकंड मान लेता हूं, क्या ये फर्स्ट इक्वेशन का सबसेट है? x अगर greater than equal to 0 लिखा है और यहाँ पे लिखा है x greater than equal to 0 less than 4, तो क्या उसी का सबसेट है ये? Yes, है, ठीक है, तो यानी कि आ रहा है, तो gx का जो डोमेन है उसी का ही पार्ट आ रहा है, है ना? तो हम कहेंगे ठीक है। और दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि gx का जो टोटल आंसर होगा वो fx का क्या होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए ना, तो gx का जो आपका आंसर है greater than equal to 0, तो क्या greater than equal to 0 इसका डोमेन है? अगर यहां पर हम लगाते हैं gx, जो gx की वैल्यू आएगी उसमें हमारा x जो आ रहा है वो क्या कहां से कहां तक आ रहा है, जीरो से लेकर फोर तक आ रहा है, जीरो इंक्लूडेड फोर इंक्लूडेड नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो gx का आउटपुट आएगा, जो gx का हमारा आउटपुट होगा वो fx का डोमेन होना चाहिए, तो क्या जो डोमेन है fx का कोई बताएगा कितना है डोमेन fx का? x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल टू या सिर्फ लेस देन 2? इक्वल टू, सॉरी लेस देन 4। ओके, एक मिनट, हम क्या करते हैं, कंडीशन क्या लगाते हैं भाई, लॉग के अंदर जो भी लिखा होगा उसको क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 रखते हैं, x लेस देन 2 आएगा ना। ठीक है, एक बार, अच्छा लेस देन 2 का मतलब इनफिनिटी तक, माइनस इनफिनिटी तक भी जा सकता है, राइट? ये ठीक है? यस सर। ठीक है, तो मुझे अब सोच के बताओ जो gx का आउटपुट आएगा क्या वो fx के डोमेन में है, बताओ भाई। हमने देखा सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या आई, gx की वैल्यू आई रूट एक्स दे रखा था, तो हमने बोल दिया x greater than equal to 0 होना चाहिए। हमने फॉक का आंसर निकाला, उसमें हमारा डोमेन क्या आ रहा है भाई, 0 से लेकर 4 उसी का पार्ट आ रहा है, सबसेट आ रहा है, तो वेल डिफाइंड है कि नहीं, और fx का जो डोमेन आ रहा है वो आ रहा है x less than 2, तो इसका मुझे डोमेन बता दो फॉक का क्या होगा, डोमेन ऑफ फॉक क्या होगा? हमने वैसे तो निकाल लिया है जीरो से लेकर फोर तक है, पर क्या वही आंसर है या कुछ इसमें से भी एलिमिनेट कुछ हटाना है, क्या यही आंसर हो जाएगा? बोलो बोलो, बताओ भाई, यही तो होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 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 जब हमने फॉक का यहां पर ये डोमेन निकाला 2 - √x रखकर, तो मैं क्या बोल रहा हूं, हमने क्या करा, जी एक्स की वैल्यू रूट एक्स ऑलरेडी पुट तो कर दी फंक्शन में, यही करा ना हमने, तो जब हम ये कह रहे हैं कि जी एक्स एफ एक्स के डोमेन में होना चाहिए, तो हमने जो फॉग निकाला है 2 - √x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखी है, वहां से सॉल्व करके ये आंसर आया ना हमारा। अब इसको बस ये चेक करना होता है कि बेसिकली ये जी एक्स जो है उसके डोमेन का पार्ट है कि नहीं, क्योंकि हमने फॉग तो तभी डिफाइन कर पाएंगे जब ये वाली हमने सेकेंड वाली कंडीशन बनाई है। ठीक है, अब इसी का चलो मैं उल्टा बोल देता हूं, अब बताना, खुद बताना क्या करेंगे। लेट्स से मैंने कहा, इस बार मैंने कहा गॉफ बताओ, डोमेन ऑफ गॉफ निकालना है, फिर दोबारा लिख रहा हूं, fx क्या था हमारा, fx था हमारा log हाफ बेस 2 - x, और gx था हमारा रूट एक्स, अब गॉफ निकालना है, तो गॉफ क्या आएगा पहले बता दो, जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, g ब्रैकेट में क्या आएगा, log ऑफ दिस 2 - x, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये रूट में चला जाएगा, राइट? यस सर, रूट में क्या आएगा, log। चलो अब बताओ कैसे करें, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो अंदर वाला फंक्शन है पहले उसका डोमेन बता दो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप
एक्स जो होना चाहिए वो किससे बिलोंग करना चाहिए, अंदर वाले फंक्शन से, अंदर वाले फंक्शन के डोमेन से। तो अंदर वाले फंक्शन का डोमेन क्या है, एफ का डोमेन बता दो कितना है, एक्स इज लेस देन टू, राइट। तो हम निकाल चुके हैं कि एफ फंक्शन का जो डोमेन है वो टू माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो एक्स लेस देन क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए, निकल गया। सेकंड पार्ट क्या बोला था मैंने, सेकंड पार्ट क्या बोला था, जो अंदर वाला फंक्शन होगा वो डोमेन होना चाहिए किसका, मतलब जो अंदर वाला फंक्शन उसका आउटपुट जो पूरा आंसर है वो डोमेन होना चाहिए बाहर वाले फंक्शन का, है ना। तो यानी कि जो एफ एक्स है वो आपका बिलोंग करना चाहिए किससे, डोमेन ऑफ जी, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है भाई। देखो दोबारा दोनों कंडीशन ध्यान से सुन लो। पहली बात, जब आप फॉग निकालोगे वो तो सॉल्व कर लिया आपने, अब आपको डोमेन निकालने से पहले, मतलब अगर मैं डायरेक्टली इसका निकालूंगा डोमेन तो गड़बड़ कर सकता हूँ। जैसे पिछले वाला एग्जांपल में मैंने दिखाया था आंसर 2 बाय x आ गया था और x बाय 2 आ गया था, तो फिर उसके हिसाब से तो x एनी रियल नंबर हो सकता है, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, दो चीजें इंश्योर करनी है। पहली चीज कि जो x है वो अंदर वाले फंक्शन का डोमेन होना, डोमेन में आना चाहिए। तो हमने वो कंडीशन लगाकर देख ली कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो f है, तो f का जो डोमेन है वो कितना है हमारा, x के वैल्यू लेस देन 2, तो पहली चीज ही आ गई। दूसरी चीज मैंने बोली कि जो एफ एक्स का आंसर आएगा, आंसर मतलब पूरा पूरा फंक्शन जो होगा एफ एक्स, वो बाहर वाले फंक्शन का डोमेन होना चाहिए, क्योंकि जो एफ एक्स का आंसर आएगा वो इनपुट बनेगा बाहर वाले फंक्शन जी के लिए, तो उसके डोमेन में आना चाहिए, नहीं तो फिर लाइक हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। मान लो एफ एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाती है जो डोमेन ऑफ जी में है ही नहीं, तो फिर मैं लेके वैल्यू कैसे बताऊंगा, बता ही नहीं पाऊंगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये दो कंडीशन याद रखनी, तो रटो नहीं बस ऐसे याद रखो कि अंदर वाले फंक्शन का जो हम डोमेन होगा वो पहला कंडीशन लगाने की एक्स मस्ट बिलोंग टू द अंदर वाला फंक्शन का डोमेन, और जो एफ एक्स होगा यानी जो अंदर वाला फंक्शन है पूरा का पूरा, वो बाहर वाले फंक्शन का क्या होना चाहिए, डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। तो ये दो कंडीशन लगाकर आप आंसर निकाल लो। अब दो आंसर आएंगे, एक तो ये आ गया एक्स क्या आया लेस देन टू, और जो दूसरी कंडीशन है उससे जो आंसर आएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन होगा मेरा आंसर। इंटरसेक्शन मतलब इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब क्या आएगा आंसर बताओ, एफ एक्स पूरा कितना, एफ एक्स, एफ एक्स आपका है लॉग हाफ बेस टू माइनस एक्स, और ये वैल्यू आप क्या कह रहे हो, डोमेन ऑफ जी से बिलोंग करनी चाहिए। कोई बताएगा डोमेन ऑफ जी क्या था, डोमेन ऑफ जी था भाई जी एक्स हमारा था रूट एक्स, और रूट एक्स पे हमने कंडीशन लगाई थी क्योंकि एक्स की जगह अब ये पूरा का पूरा ही आ जाएगा, तो यानी ये फंक्शन पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो चलेगा, चलेगा ना यार, क्योंकि रूट एक्स में जब आप निकालोगे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोलोगे, और इस बार आपका एक्स कौन बन जाएगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा, तो इसी को तो लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बात ठीक है। ठीक है बस, तो फिर निकाल के देख लो क्या आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई बताएगा जल्दी से, लॉगरिथम इनइक्वालिटी बन गई है तो लॉग हटाने के लिए, लॉग हटाने के लिए क्या होगा, टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन बाय टू की पावर जीरो, वन बाय टू की पावर जीरो हो जाएगी, है ना। अच्छा वन बाय टू की जीरो हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, गड़बड़ कर दी ना तुमने, लेस देन हो जाएगा भाई, भूल गए बेस क्या है, बेस को, बेस को देखो, बेस अगर जीरो से वन के बीच में है तो लॉग में जब इस तरह से लॉग हटाते हैं तो इक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है, याद है। yes. यार ये छोटी मोटी गड़बड़ करोगे सब सब गड़बड़ हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी में छोटी छोटी बेसिक चीजें ये याद रखनी है, ऐसे गड़बड़ करोगे तो आंसर रॉन्ग आएंगे। तो टू माइनस एक्स आ गया लेस देन इक्वल टू, किसी की पावर जीरो वन होती है, एक्स आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, वन, ठीक है भाई। तो यहां से आ रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और यहां से आ रहा है एक्स लेस देन टू, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भाई, पहली ये वाली बात और ये वाली बात, इन दोनों का इंटरसेक्शन है हमारा आंसर। क्या आंसर होगा, आप कह रहे हो एक्स लेस देन टू और आप कह रहे हो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बता दो क्या लिखूं, क्या आएगा आंसर, वन टू टू, वन इंक्लूडेड टू इंक्लूडेड नहीं, समझ आए, क्लियर बेटा सभी को। यस सर, चलो अभी एक निकाल के दिखाओ फिर, बोलो बेटा अगर किसी को कंफ्यूजन है दोबारा क्लियर करो। ठीक है, क्या बोला मैंने, अंदर वाला फंक्शन का जो डोमेन होगा एक्स उससे बिलोंग करना चाहिए, एक तो जो इनपुट लेंगे मैं ना, दूसरी चीज जब आप फॉग या गॉफ जो भी निकाल रहे हो उसमें जो आपका अंदर वाला फंक्शन है एफ एक्स, यहाँ पर अंदर वाला फंक्शन है
वो बिलोंग करना चाहिए बाहर वाले फंक्शन के डोमेन से, और बाहर वाले फंक्शन का डोमेन क्या था, बाहर वाले फंक्शन का डोमेन था रूट एक्स के हिसाब से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स जो पूरा का पूरा लॉग टू माइनस एक्स हाफ बेस है उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखकर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो ये जो दो केसेस आएंगे इन दोनों का ध्यान रखना इंटरसेक्शन होना चाहिए, इंटरसेक्शन इसलिए क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, पहले जब हम एफ एक्स के लिए इनपुट लेंगे तो वो भी डिफाइंड होना चाहिए एफ एक्स, ऐसे ऐसे इनपुट लेने और जो एफ एक्स का आंसर आएगा वो फिर बाहर जी जो फंक्शन है वो भी डिफाइंड होना चाहिए, तो दोनों जो कंडीशन आई है इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरा आंसर होगा कॉमन। लेट्स से मैंने दिया एफ एक्स दिया माइनस एक्स प्लस वन, और फिर ऐसे भी बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से थ्री, और जी एक्स दे दिया अच्छा जी एक्स दिया नहीं या चलो हाँ जी एक्स दिया नहीं हमें, बस ऐसे बोल दिया, ये दूसरा लेते हैं एग्जांपल तो सिंपल हो जाएगा वो। लेट्स से दूसरा एग्जांपल है, हाँ ध्यान से देखना, एफ एक्स लिया मैंने माइनस वन जीरो वन, एक सिग्नम फंक्शन ले लिया मैंने, और आपको याद होगा सिग्नम फंक्शन की कंडीशन एक्स लेस देन जीरो होता तो नेगेटिव बनाता है, ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव बनाएगा, और जीरो तो एग्जैक्टली जीरो ही आएगा, और जी एक्स ले लिया हमने क्या लें क्या लें वन प्लस, चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी लगा दिया इसमें, वन प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, देन आपको निकालना है एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा, ऑप्शन दे रखे हैं एक्स के इक्वल होगा, एफ एक्स के ही इक्वल आ जाएगा, जी एक्स के इक्वल आ जाएगा, या डी बनाएगा, निकाल के बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एफ एक्स आपको पता है सिग्नम फंक्शन है बेसिकली, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, और जी एक्स जो दिया हुआ उसमें दिया हुआ है वन प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, और हमें फॉग निकालना है एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, तो इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन भी दिए हैं, इन चार ऑप्शन में से बताना क्या ठीक होगा। बताओ कैसे सॉल्व करोगे एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स हमारा क्या है वन प्लस एक्स माइनस ये देखता है, अब तुम यहां के बाद आगे सोच ही नहीं पा रहे होगे कि करना क्या, बेटा आपको लग रहा है कि सर यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा है तो इसको कहाँ पुट करें, क्योंकि क्योंकि जो फंक्शन एफ एक्स लिखा है उसमें तो एक्स है ही नहीं, बेटा है एक्स, मैंने क्या बोला ये सिग्नम फंक्शन है, तो बेसिकली अब आपका आंसर ये आ गया सिग्नम फंक्शन ऑफ वन प्लस एक्स माइनस, और मैंने लास्ट क्लास में याद आ रहा है सभी को भी सिग्नम फंक्शन के एग्जाम्पल दिए थे, सिग्नम फंक्शन नॉर्मल जब एक्स लेते हैं या जब एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लेते हैं या कुछ क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, याद है बताया था मैंने एक कंडीशन बताई थी कि सिग्नम फंक्शन में यहाँ पर आप चाहे कुछ भी ले लो एक्स ले लो तो एक्स के ऊपर क्या कंडीशन हो जाएगी कि एक्स अगर लेस देन जीरो है तो माइनस वन आएगा, इक्वल टू जीरो है तो जीरो आएगा, और ग्रेटर देन जीरो तो वन आएगा, अगर मैंने सिग्नम के अंदर लॉग एक्स लिख दिया तो फिर मैंने कहा था कि लॉग एक्स की वैल्यू जहां पर भी क्या होगी लेस देन जीरो होगी वहां पर माइनस वन आएगा, लॉग एक्स की वैल्यू जहां पर इक्वल टू जीरो होगी वहां पर जीरो आएगा, और लॉग एक्स की वैल्यू जहां पर जीरो से बड़ी होगी वहां पर पॉजिटिव आएगा, तो सेम सिचुएशन बेटा यहाँ पे लगानी है, तो क्या है हमारा आंसर सिग्नम फंक्शन ऑफ वन प्लस एक्स माइनस इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो आपको बस ये सोचना है कि ये वाली वैल्यू कब जीरो आएगी कब ग्रेटर देन जीरो आएगी और कब नेगेटिव आएगी, बताओ बस ऑब्जर्व करो वन प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स कब एग्जैक्टली जीरो आएगा, क्या जीरो आ सकता है ये सोच के पहले ये देख लो कि जीरो आएगा भी ये? नो सर क्यों नहीं आएगा, आपको ये याद होगा बेटा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स मैंने बताया था फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होता है, याद आ रहा है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू बता दो कहां से कहां तक होती है बिलोंग्स टू कहां से कहां तक करता है जीरो से लेकर वन, जीरो इंक्लूड होता है वन इंक्लूड नहीं होता, अब सोच के देखो ये आपका जो है ये दोनों को मिलाकर ये आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है जो किससे बिलोंग करता है जीरो से लेकर वन, अच्छा और उसमें आप क्या क्या ऐड कर रहे हो वन ऐड कर रहे हो, तो वन प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा वन से लेकर टू ओपन इंटरवल, ऐसे नहीं हो जाएगा, तो बेटा हमारा जो आंसर आया ये एफ ऑफ ये
जो हम निकाल रहे हैं ये तो बेसिकली वन से टू के बीच में होगा, वन इंक्लूडेड और टू नॉट इंक्लूडेड। और इस सिग्नम फंक्शन में हमें पता है कि अभी मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव जीरो से बड़ा है तो आंसर हमेशा ही बनाएगा, निकालने की जरूरत नहीं होती, सॉल्व नहीं करते उसे, बस डायरेक्टली बनाएगा। अगर लेस देन जीरो आता है जिस भी एक्स की वैल्यू के लिए उसमें फिर माइनस वन लिख देंगे, और जहां पर जीरो आता है वहां पर जीरो ही लिख देते हैं। तो हमने नोटिस करा ये जो आंसर आ रहा है हमारा ये तो कभी भाई नेगेटिव या जीरो तो कभी आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका डायरेक्टली वन होगा। क्या होगा आंसर, सॉरी वन नहीं जीरो, एक्स नहीं वन, ठीक है क्लियर है भाई? बोलो भी नहीं आया तो किसी को सिग्नम फंक्शन दोबारा बताओ, दोबारा बताना पड़ेगा सिग्नम फंक्शन। नो सर। ठीक है मेरे सभी को, बाकी भी बेटा रिस्पॉन्ड कर दिया करो यस नो बेटा, एक दो बच्चे ही बोलते हैं आया नहीं आया, मेरे को समझ में नहीं आता आया नहीं आया, रिपीट करूं बताओ। आर्यन बेटा क्लियर है? अपना ईशा जागृति शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे आपको पता ही नहीं होगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स क्या था, सिग्नम फंक्शन क्या था, वो चीजें रिलेट नहीं कर पाओगे। मैथ्स में ऐसा होता है ना, आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि डायरेक्टली आपसे कोई फंक्शन का ही क्वेश्चन पूछ लेगा, डोमेन रेंज के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं पेपर में बट बहुत रेयरली, मतलब ऐसा होता है कि 10 साल में कभी एक दो बार पूछ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन की भाई बताओ इसका डोमेन कितना होगा रेंज कितना होगा, ऐसे नहीं पूछेंगे जनरली नहीं पूछते। तो सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स क्या है, सिग्नम फंक्शन भी आ गया इसमें, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन तो निकाला ही फिर सिग्नम फंक्शन बन गया, फिर उसको हमने ऑब्जर्व किया कि 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो तो भाई कहां से कहां तक है, 1 से 2 तक है, 1 इंक्लूडेड 2 इंक्लूडेड नहीं है। और अगर सिग्नम फंक्शन में जो आपका अंदर वाला इनपुट है वो अगर 0 से बड़ा है तो डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, सॉल्व नहीं करते कुछ भी, और अगर इक्वल टू 0 तो 0 लिख देते हैं, लेस देन 0 तो नेगेटिव 1 लिख देते हैं बस। तो हमने नोटिस करा कि हमारा आंसर तो भाई जो अंदर सिग्नम फंक्शन का एक्स है, मतलब एक्स नहीं जो लिखा हुआ है अंदर इनपुट, वो हमारा 1 से लेकर 2 तक वैरी करेगा और फिर आंसर 1 ही लिखना है, क्योंकि सिग्नम फंक्शन में अगर कोई भी वैल्यू जिसकी हम निकाल रहे हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, अगर एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है तो आंसर 1 होता है, तो इसलिए आंसर इसका 1 होता है। ठीक है एक और लेते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, पीरियडिक फंक्शन क्या थे, उनका पीरियड कैसे निकालते थे, कराए थे मैंने पीरियडिक फंक्शन पहले, बताओ भाई पीरियडिक फंक्शन याद है सभी को, क्या बताया था क्या नहीं बताया था, यस नो किसी की भी नहीं आ रही, मतलब भूले पड़े सारे हैं सर, करवाया था पर भी याद, करवाया था क्या, हाँ थोड़ा सा जल्दबाजी में कराया होगा, याद भी आ रहा है वैसे क्या कराया था सर, मतलब कि रेगुलर इंटरवल के बाद हैं, चलो बता दूंगा जल्दी जल्दी कि क्या होता है समझ में आ जाएगा। ओके तो पहले एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिए, ध्यान से देखना थोड़ा सा ट्रिकी है ये, पर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे कि भाई जब डोमेन वगैरह निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। मान लो मैंने कहा कि देन फाइंड करना है भाई एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है, तो ये निकालने के लिए सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा मेरे दिमाग, हमने देखा यार ये तो अच्छा ये आपको सभी को पता है पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं, मतलब जो ब्रेक करके दे देते हैं, मतलब भाई जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तब ऐसा है और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ऐसा है फंक्शन, तो ये पीस वाइज फंक्शन होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफाइन करा हुआ है, ठीक है तो उसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब इसको इसमें दोनों में मैंने पीस वाइज फंक्शन ले लिया, मतलब कंडीशन लगाकर, अब सबसे पहले हमने फॉग निकाला, पहले कैसे निकालेंगे एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना है भाई, अब आप सोचोगे सर जी एक्स की वैल्यू तो एक है ही नहीं, ये तो दो दो कंडीशन लिखी हुई है तो अब लिख ही नहीं पाओगे अंदर, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया कि अब कैसे डिफाइन करोगे अगर डिफाइन करना है तो। अब इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, कंडीशन बनानी पड़ेगी, ये भी पीस वाइज फंक्शन बनाना पड़ेगा, कैसे आपको पता है कि जो एफ एक्स है उसको एफ एक्स को देखो एक बारी, एफ एक्स में आप बस एक्स की जगह किससे रिप्लेस कर दो, बताओ किससे रिप्लेस कर दें, जी एक्स से रिप्लेस कर दो, है ना, तो क्या आएगा 1 माइनस जी एक्स और जी एक्स का होल स्क्वायर, और कंडीशन क्या होगी जी एक्स जब लेस देन इक्वल टू जीरो है और जब जी एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये ठीक है भाई, ठीक है बेटा, अच्छा लेकिन ऐसे डिफाइन करके थोड़ी ना छोड़ेंगे, इसमें तो आपने जी एक्स लिखकर छोड़ दिया, जी एक्स की वैल्यू और एक्स की टर्म्स में लाना है ना हमें, तो ये तो मतलब समझ में आ गया होगा सभी को कि क्या करा सब ने, अब हमें क्या करना है वो जी एक्स हटाना है भाई, जी एक्स की वैल्यू जो है वो भी तो दी हुई है इस तरह से, तो वो हटाए कैसे,
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको याद होगा मैंने अभी कंडीशन बोली थी क्या, कि जो gx है वो fx का बेसिकली क्या है, एक इनपुट है। तो gx की वैल्यू सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसका डोमेन क्या है। तो gx का डोमेन एवरी रियल नंबर है, क्योंकि x की वैल्यू वो कह रहा है 1 से लेस भी चलेगा, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू भी चलेगा, सब कुछ आ सकता है। तो अब लेकिन आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये जो gx लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, क्योंकि हमें तो gx की फॉर्म में नहीं लिखना ना आंसर। तो gx लेस देन इक्वल टू 0 रखकर x की वैल्यू बता दो कहां से बता दोगे जल्दी से। अगर आप gx less than equal to 0 लेते हो तो x की वैल्यू कहां से घातक होगी, तो आप gx फंक्शन में देखोगे, ये रहा gx फंक्शन। तो gx फंक्शन को आप जब आपने देखा तो उसमें दिखा आपको कि x की वैल्यू अगर 1 से लेस है तो वो gx की वैल्यू माइनस x है, और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो gx की वैल्यू 1 माइनस x है। तो आपको ये बताना है कि gx की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू क्या कहां से घातक होगी। तो कैसे सॉल्व करें इसे, अब क्योंकि gx भी दो जगह अलग अलग जगह पे डिफाइंड है तो ये भी सोचना पड़ेगा कि कैसे बनाना है इसे। तो बताएगा बोलो भाई, इसमें भी दो कंडीशन लगा दो ना भाई। gx आप कह रहे हो दो अलग अलग वैल्यूज है ना, gx की वैल्यू एक तो माइनस एक्स है और एक वन माइनस एक्स है। तो x लेस देन जीरो है और लेस देन वन है, और एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो gx मुझे बताओ लेस देन इक्वल टू 0 कहां से कहां तक आएगा, कब आएगा, x की कौन सी वैल्यूज के लिए gx की वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 रहेगी। तो आप क्या करोगे, दोनों को ही करोगे एक बार देखो, आप कह रहे हो कि भाई gx जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए भी एक बार करोगे, इसके लिए सॉल्व करोगे कैसे, व्हेन x इज लेस देन 1, ये वाला केस ले रहा हूं, व्हेन x इज लेस देन 1 और gx की वैल्यू आपकी कितनी है माइनस x, तो आप कह रहे हो माइनस x लेस देन इक्वल टू 0, तो x भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, राइट, यही होगा ना, ठीक है, आया अभी समझ में? Yes, sir. हमने क्या करा, gx आप कह रहे हो लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए gx की दो वैल्यूज गिवन है, एक तो माइनस x गिवन और एक 1 माइनस x। तो पहली कंडीशन है जब x लेस देन 1 है तो हमने क्या करा, पहली वाली वैल्यू माइनस एक्स ले ली, और माइनस एक्स को क्योंकि जी एक्स को लेस देन इक्वल टू 0 रखना है, तो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 रखा तो एक्स आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों बातों का इंटरसेक्शन बता दो क्या आएगा, भाई आप कह रहे हो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1 सॉरी इक्वल टू 1, तो क्या आ गया आंसर। तो फॉर जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कहां से कहां तक आ गया, एक्स 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, तो पहला आंसर आ गया हमारा 0 से लेकर 1 तक। दूसरी बात, 1 माइनस एक्स लिया, इसमें कंडीशन क्या है कि x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इसको जब आप लेस देन इक्वल टू 0 रखोगे तो यहां से क्या आएगा आंसर, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1, x क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें क्या आया हमारा आंसर, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो यहां से फिर सॉल्व करके वही आ गया, तो ये तो एक ही बात निकलेगी कि x बस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को, ठीक है। yes, अब बता दो मेरा, अब मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा, जब gx में कह रहा हूं क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इन दोनों का क्या ले लूंगा मैं, इंटरसेक्शन लूंगा, यूनियन लूंगा, क्या लूंगा बताओ, बताओ भाई क्या लें, इन दोनों का क्या लेंगे हम, यूनियन लेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे आप, जोर से बोलो बेटा, यूनियन यूनियन लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, बोलो बोलो भाई, इंटरसेक्शन, गलत हो गया, यूनियन लेंगे भाई। अब ऐसे रटो नहीं कि इंटरसेक्शन लिया था सर ने पीछे, तो अब इंटरसेक्शन लेंगे, आराम से समझो, देखो क्या है इसमें बेटा, दो अलग अलग केसेस हैं, दो अलग अलग केसेस, मतलब जब x की वैल्यू लेस देन 1 थी तो माइनस x था, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थी तो 1 माइनस एक्स था। जब हमने x की वैल्यू लेस देन 1 लेकर gx लेस देन इक्वल टू 0 रखा तो हमें ये पता लग गया कि gx की वैल्यू कब लेस देन इक्वल टू 0 होगी, जब x लेस देन 1 है, ये पता लग गया, कहां से कहां तक, इसमें 0 से 1 तक। अब दूसरा कंडीशन ली, जो दूसरा केस दे रखा है, जो दूसरा केस है उसी का g का ही, उसमें कंडीशन है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो gx कब आएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0, वो आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा। तो जब भी आप x की वैल्यू 1 से बड़ी लोगे या इक्वल लोगे, ऑलवेज आपका gx जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो दोनों केसेस जो है ऐड होते हैं बेटा। अब इसमें इंटरसेक्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके लिए अलग डिफाइंड है, इसके लिए अलग, तो वो उसमें उसका चलेगा, इसमें इसका चलेगा, तो इस बार यूनियन होगा क्योंकि यूनियन में क्या होगा, पूरा का पूरा डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो इस बार आंसर क्या होगा बेटा, कि जब मैं बोल रहा हूँ कि जी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स कहां से कहां तक होगा, इसका मतलब है एक्स क्या होगा जीरो से वन तक भी आप कह रहे हो और वन से बड़ा और इक्वल भी बोल रहे हो, तो इसका मतलब डायरेक्टली ये ना लिख दो जीरो से लेकर इंफिनिटी, ठीक है बोलो भाई। Yes, yes. Yes. तो इसका मतलब, इसका मतलब यहाँ पर ये जो जी एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, जीरो से लेकर इंफिनिटी आएगी। इसी तरह से अब दूसरे वाला करना है, दूसरे वाले में क्या है, अब क्या है, जी एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू भी होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो उसमें आपका फंक्शन क्या था, उसमें फंक्शन की वैल्यू थी हमारी जी एक्स का स्क्वायर था, जो जी एक्स है उसका स्क्वायर था, तो इसके लिए भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये समझ में आया कि x की वैल्यू कैसे डिफाइन करनी है, मतलब कहां से कहां तक होगी फंक्शन के लिए। यस क्लियर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब इसमें पीस वाइज फंक्शन, दोनों पीस वाइज फंक्शन थे, तो इस तरह से डिफाइन करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, बट इस तरह से करेंगे, एक एग्जांपल देके बता दिया मैंने। अब बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से सभी को बेटा कॉम्पोजिट फंक्शन की, लाइक चलो मैं एक बार एच और दूसरा फंक्शन लेकर करता हूँ, मान लो एक एच एक्स दे रखा है और एक दे रखा है हमें लेट से चलो जी एक्स दे रखा है, मुझे बस कंडीशन बता देना, अगर हम एच ओ जी निकाल रहे हैं, एच ऑफ जी एक्स, तो वो दो कंडीशन बता दो, क्या क्या बताई थी मैंने जल्दी से, दो कंडीशन बेटा बता दो क्या क्या बताई थी। पहली चीज मैंने बोली थी कि जो एक्स होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए किससे, डोमेन ऑफ जी, ठीक है, डोमेन ऑफ जी, जी अंदर वाला फंक्शन। दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी, जो जी एक्स होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ एच एच, यहाँ पर बाहर वाला फंक्शन एच है तो एच, बस इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन मेरा क्या होगा, डोमेन होगा, क्लियर है। यस फॉर डोमेन ऑफ, फॉर डोमेन ऑफ एच ऑफ, ठीक है, तो ये चीज बस याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक इतना करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है। अब जल्दी से बता दो कोई पीरियडिक फंक्शन क्या होता था, अगर याद आ रहा है तो। पीरियडिक फंक्शन नाम से पता लग रहा है, ऐसे फंक्शन जो अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसमें से साइन बता दो पीरियडिक है या नहीं, और उसका पीरियड बता दो कितना है। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं पीरियडिक फंक्शन की, पीरियडिक फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन जो मान लो एफ एक डिफाइन है फंक्शन ए टू बी, तो एफ एक्स जो है अगर इक्वल टू आ जाता है एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स प्लस टू टी, मतलब हर टी इंटरवल पे वो अपने आप को क्या कर रहा है, वैल्यू को रिपीट करता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीरियडिक फंक्शन बोलते हैं। अच्छा पीरियड जो होता है उसमें एक होता है फंडामेंटल पीरियड, एक होता है जस्ट पीरियड। तो अगर मैं बोलूं कि पीरियड ऑफ साइन एक्स इज कितने बाद रिपीट होता है, टू पाई के बाद रिपीट होता है, तो मैंने बोल दिया फोर पाई, तो ये ट्रू है फॉल्स, और ट्रू है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स अब क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहले ट्रू क्यों है, क्योंकि फोर पाई के बाद भी तो रिपीट तो करता ही अपने आपको साइन एक्स, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड होता है सबसे कम, मतलब मिनिमम। तो फंडामेंटल पीरियड में याद रखना, फंडामेंटल जब पीरियड बोल रहे हैं तो टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए भाई, उससे कोई कम और नहीं होना चाहिए पीरियड, ठीक है। तो अगर टी आपका मिनिमम है तो वो फंडामेंटल पीरियड बन जाएगा, नहीं तो नॉर्मली हम पीरियड बोल देते हैं बस यार, ठीक है। तो भाई क्योंकि देखो जब मैंने 2t लिखा, t मैं कह रहा हूँ फंडामेंटल पीरियड है, तो एफ एक्स जो होगा वो एफ एक्स एक्स प्लस 2t के भी इक्वल है, एफ एक्स प्लस 3t के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी पीरियड है आपका, 3t भी पीरियड है, 4t भी पीरियड है, लेकिन अगर मैं बोलूँ सबसे कम वैल्यू जहां पर वो रिपीट करता है तो वो मेरा t है, जिसको मैं बोलूंगा फंडामेंटल पीरियड। तो अब जल्दी से मुझे कुछ फंक्शन का फटाफट बता दो, पहले बताओ साइन का, कॉस का, टेन का, जल्दी से क्या होता है पीरियड। मैं जब पीरियड लिख रहा हूँ तो वो बेसिकली मैं फंडामेंटल पीरियड ही लिखूंगा, ठीक है, बता दो साइन कॉस टेन का क्या होता है भाई। अच्छा टेन नहीं आएगा यार, क्योंकि टेन का तो अलग होता है, साइन कॉस और क्या आएगा, सेक भी आ जाएगा और कॉसेक भी आ जाएगा। चलो इन चारों को बता दो क्या होता है, फिर टेन और कॉट का बताओ बताओ,
भाई 2 पाई नहीं होगा सबका, साइन कॉस कॉस एक्स एक्स भाई 2 2 पाई के बाद रिपीट करते रहते हैं, याद है? और टेन और कॉट का इनका होता है पाई, ये पाई के बाद रिपीट करते हैं बेटा। ग्राफ याद आ रहा है सभी को? देखो टेन का ग्राफ ऐसा होता था 0 पाई बाई 2 पाई, देखो ऐसा होता था, यहाँ पे डॉटेड हो जाती लाइन, फिर ऐसे यहाँ पर ये दिख रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, फिर नेक्स्ट ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आता है पाई पे 0 होता है 3 पाई बाई 2, फिर ऐसा आता है दोबारा वही चीज रिपीट होती है। देखो तो कितने गैप के बाद वो दोबारा अपने आप को रिपीट कर रहा है, दिख रहा है सभी को? पाई इंटरवल बाद क्या कर रहा है, मिनिमम पाई इंटरवल बाद वो क्या कर रहा है, अपने आपको रिपीट कर रहा है। इसलिए मिनिमम जो पीरियड या फंडामेंटल पीरियड होगा वो टेन और क्वार्ट का पाई होता है, बाकी सबका 2 पाई होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो थर्ड आता है, अगर मैंने दे दिया ये जल्दी से बता दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा इसका पीरियड? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बेटा मैंने ग्राफ ही बनाया था, याद हो तो बोलो भाई जल्दी से, पहले तो डिसाइड कर लो ये पीरियड है भी या नहीं, है कि नहीं? बोलो भाई है या नहीं पीरियड की? कितना है फिर ये भी बता दो पीरियड? 1 1 एग्जैक्टली 1 इंटरवल बाद, मतलब ये अपने आपको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अच्छा ग्रेट, क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीरियड होता है? नो सर, नो पीरियड भाई, पीरियड की नहीं, नॉन पीरियड। अच्छा कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो पीरियड तो हो लेकिन उसका पीरियड डिफाइन ना हो, ऐसा हो सकता है? यस सर। कौन सा y इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन, कोई कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। अगर मैंने y इक्वल टू ले लिया 3, 3 से ऐसे आएगा। अब ये मैं कहूंगा क्या रिपीट हो रहा है, तो मैं कहूंगा हाँ भाई वो पॉइंट आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीरियड तो है पर कितना मिनिमम बताएं। मिनिमम जो हम पीरियड की बात करते हैं तो वो होता है फंडामेंटल पीरियड, मिनिमम होता है। तो मिनिमम तो मैं बता ही नहीं सकता ना कितने बार रिपीट कर रहा है भाई। मिनिमम मैं कहूंगा 0.1 बार रिपीट कर रहा है, फिर मैं कहूंगा 0.01 बार भी रिपीट कर रहा है, तो ऐसे बता ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसका पीरियड तो है, पीरियड तो याद रखना ही पीरियड, बट नो डिफाइंड पीरियड इसका डिफाइन नहीं है कितना, ठीक है? तो याद रखना पीरियड है। फिर आता है अगर मैंने ऐसे देखा साइन की पावर कुछ एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, कॉस सेक की पावर एन एक्स, सेक की पावर एन एक्स, तो इसमें एन पे डिपेंड करेगा कि पीरियड क्या होगा। अगर एन क्या है आपका, इफ एन कैसा है ऑड और एन कैसा है इवन, तो बता दो जल्दी से पीरियड कितना कितना हो जाएगा। अगर ऑड है तो पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई होगा, और इवन होगा तो पाई हो जाएगा, राइट? मतलब मैं ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बड़ा भी ग्राफ वगैरह पे नहीं जाऊंगा, नंदी हो जाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक तरह से फॉर्मूले की तरह से याद रखना है, जितने भी मैं पीरियड बता रहा हूँ जो जो फंक्शन के, ये एक तरह से फॉर्मूले की तरह से याद रखने। फिर 10 की पावर n लो और क्वार्ट की पावर, तब n पे डिपेंड ही नहीं करेगा, बस n चाहे कुछ भी हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, पीरियड क्या रहेगा भाई? पाई ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होता। फिर है मॉड लगा दिया, साइन कॉस 10 लगा दिया, कॉस सेक लगा दिया, मॉड सेक लगा दिया, या फिर क्वार्ट, अब क्या होगा? पाई। मॉड लगाने पे भाई वो नेगेटिव वाले वैल्यूज भी ऊपर फ्लिप होके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, तो पीरियड कहाँ से रिपीट होने लग जाएगा? पाई पे रिपीट होने लग जाएगा। और लास्ट मैंने बता दिया कॉन्स्टेंट फंक्शन, ठीक है? अब आता है लेट्स से क्वेश्चन आया एक, अच्छा एक और चीज बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, लास्ट ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आता है दो फंक्शन अलग अलग दिए हैं, सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, डिवाइड में या माइनस में लिखा हुआ है, फिर पीरियड कैसे निकालेंगे? मान लो ऐसे मतलब दो फंक्शन प्लस कर दिए या माइनस कर दिए, कुछ ऐसे दिया हुआ, लेट्स से एग्जांपल एफ एक्स दे रखा है हमें साइन पाई एक्स बाई रूट टू और प्लस कॉस पाई एक्स बाई रूट टू। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन एफ एक्स ले लिया जिसमें दो फंक्शन मतलब प्लस हो रहे हैं ऐसे, ये वाला एक, ये वाला और एक ये वाला। तो अब इसका पीरियड निकालना है। अब इसका पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहले वाले का पीरियड बता दो कितना होगा, इसका बता दो पीरियड कितना है?
अच्छा इसके लिए भी आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि साइन पाई एक्स बाय रूट टू का बताना है. साइन एक्स का तो बता दिया था मैंने, साइन एक्स का क्या होगा, साइन पाई एक्स बाय रूट टू का अगर बता रहे हैं तो फिर कैसे बताएंगे इसका पीरियड. तो इसका पीरियड बताने के लिए भी पहले कुछ करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा तो ये भी बता देता हूँ. इसके लिए भी रूल लिख लो एक. क्या रूल है, अगर कोई भी फंक्शन लेते हैं हम एफ एक्स का मान लो पीरियड है, इफ एफ एक्स का पीरियड लेट्स से टी ए, एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है टी, देन अगर आप एफ लिखते हो ए एक्स तो फिर इसका पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा टी डिवाइड बाय रूट ए मॉड ए हो जाएगा, टी डिवाइड बाय मॉड ए, मतलब जो भी एक्स की जगह आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसके मॉड से डिवाइड कर देना, जो फंडामेंटल पीरियड पहले एफ एक्स का था उसको डिवाइड कर देना, तो हमारा न्यू पीरियड आ जाएगा कि क्या होगा. लेकिन अब इसके अलावा इफ एफ एक्स का पीरियड है लेट्स से पी, देन पीरियड ऑफ ए एफ एक्स लिख लो, ए एफ एक्स प्लस बी लिख लो या सिर्फ एफ एक्स प्लस बी लिख लो, प्लस माइनस बी हो सकता है, इन सभी का पीरियड क्या रहेगा टी, टी का टी रहेगा, वही अफेक्ट नहीं होता, वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर है? यस ठीक है. मैंने ध्यान होगा मैंने ग्राफ में समझाया था कि जब अंदर एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है वो स्ट्रेच या क्या होता है कंप्रेस होता है, याद है? तो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच या कंप्रेस होने से पीरियड पे फर्क पड़ेगा, बाकी जो केसेस हैं उसमें बस शिफ्ट होता है, या तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होगा या वर्टिकल शिफ्ट होगा, उससे भी पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा, या वर्टिकल स्ट्रेच होगा, वर्टिकल स्ट्रेच मतलब ग्राफ जो है थोड़ा सा ज्यादा इलंगेट हो जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा वर्टिकली, उससे भी पीरियड पे फर्क नहीं पड़ेगा. ये सारे वो तीनों के तीनों वही केसेस हैं तो इन पे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला था, एफ एक्स दिया था मैंने, ये लिखना है लिख लो बेटा, अगर लिखना है जल्दी से लिख लिया. ठीक है, अब हम कर रहे हैं अगर एक फंक्शन जो दो फंक्शन का सम है या डिफरेंस है, ऐसे है फिर से एफ एक्स दिया हुआ है साइन पाई एक्स बाय रूट टू और पाई एक्स बाय रूट थ्री, अब निकालना है इसका पीरियड और प्लस है बीच में, और मैंने कहा कि इसका फाइंड पीरियड ऑफ एफ, इसका पीरियड निकालना. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अच्छा साइन के साथ मैंने वो आगे तो लिखा ही नहीं, क्या है कॉस, अच्छा कॉस पाई एक्स बाय रूट थ्री, तो जल्दी से साइन पाई एक्स बाय रूट टू का पीरियड बता दो क्या होगा. x को आपने क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है किससे, पाई बाय रूट टू से, और ये आपका a का काम करेगा. तो पीरियड क्या था, साइन x का होता है 2 पाई, तो 2 पाई को आप डिवाइड कर दोगे मॉड पाई बाय रूट टू. अब भाई पाई भी पॉजिटिव होता है रूट टू भी पॉजिटिव होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, मॉड क्या आएगा 2 रूट टू पाई बाय नीचे पाई बाय, राइट. तो आंसर क्या आ गया 2 रूट टू आ गया इसका पीरियड. ठीक है, फिर आप निकालोगे कॉस पाई एक्स बाय रूट थ्री, इसका कैसे निकालोगे, इसका भी वही 2 पाई को डिवाइड कर दो किससे, पाई बाय रूट थ्री से मॉड से, क्या आएगा आंसर 2 रूट थ्री आ जाएगा, राइट. क्लियर है? यस सर. अब मैंने दोनों का पीरियड निकाल लिया, लेकिन मेरा जो फंडामेंटल जो मेरा आंसर होगा एफ एक्स का पूरे आंसर का जो पीरियड होगा वो कैसे निकालूंगा मैं. अब क्या करते हैं, जब दोनों का इस तरह से अलग अलग निकाल लिया पीरियड, तो हमारा जो फाइनल पीरियड होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा, क्या होगा, पीरियड ऑफ, मैं एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, पीरियड ऑफ लेट से एफ एक्स जो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी एक्स प्लस एच एक्स, दो फंक्शन ले लेता हूँ या माइनस भी हो सकता है. तो फिर मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ जी कॉमा पीरियड ऑफ एच, इन दोनों का जो पीरियड हमने निकाला है फंडामेंटल पीरियड उनका एलसीएम लेके बताना है. अब मुझे एक चीज बताओ, टू रूट टू और टू रूट थ्री का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या लिख दो, कोई बोलेगा टू रूट सिक्स लिख दो, है ना, है कि नहीं, टू रूट सिक्स लिख दो या कुछ और होगा, बताओ बताओ टू रूट टू और टू रूट थ्री का एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता. इरेशनल पार्ट अगर डिफरेंट है
इस तरह से रूट टू और रूट थ्री, तो एल से हम नहीं बता सकते। हम वैसे नॉर्मली जब सॉल्व करते थे ना, तो ये मत करना धोखे में मत रहना कि जैसे सॉल्व करते थे हम एक्स के नीचे टू रूट टू होता था, यहाँ पर लेट से वन के नीचे होता था टू रूट थ्री, फिर हम ऐसे ले देते थे सॉल्व करते थे, टू रूट सिक्स लिख देते थे, यहाँ पर लिख देते थे रूट थ्री एक्स और यहाँ पर लिख देते थे रूट टू। ये तो सॉल्व करने के लिए करते थे, ऐसा नहीं कि एल से हम कह रहे हैं कि टू रूट सिक्स है, ठीक है। ये तो कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम ऐसा कर देते थे, बट ये नहीं बोलेंगे कि एल से नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जब भी इरेशनल वाला पार्ट आपका डिफरेंट हो, रूट टू रूट थ्री रूट थ्री रूट फाइव, तो उनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पीरियड भी नहीं होगा, क्लियर है? नो पीरियड, क्लियर है? यस सर, ठीक है। सभी को आ गया बेटा समझ में यहां तक? तो मैं क्या बोलूंगा, एफ इज नॉन पीरियडिक, भाई पीरियडिक है नहीं। और सिर्फ एक ऐसा फंक्शन होता था जो पीरियडिक होता है बट उसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, वो था कॉन्स्टेंट फंक्शन। अभी कॉन्स्टेंट तो नहीं था तो ये नॉन पीरियडिक ही बोलूंगा उसको। नेक्स्ट है, लेट्स से एक और चलो बता दो, क्वेश्चन दे दिया, एफ दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन, चलो ऐसा ही लिखता हूँ, साइन पाई एक्स बाई रूट थ्री और प्लस कॉस पाई एक्स बाई टू रूट थ्री। अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा। तो पहले दोनों के अलग अलग निकाल लो, इसका क्या आएगा, टू पाई बाय पाई बाय रूट थ्री, और इसका क्या आएगा पीरियड, 2 पाई डिवाइड बाय पाई बाय 2 रूट थ्री। ये आंसर आ जाएगा 2 रूट थ्री और इसका आ जाएगा 4 रूट थ्री। अब बता दो क्या होगा एलसीएम, अब एलसीएम बता सकते हैं या नहीं बता सकते? अब मैंने कहा था कि इरेशनल पार्ट अगर बेटा दोनों का सेम है तब बता सकते हैं, तो क्या आएगा आंसर, 4 रूट थ्री, ठीक है। मतलब एलसीएम जो होना चाहिए वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो हम बोल रहे हैं वो अगर दोनों में तब एग्जिस्ट करेगा जब दोनों का इरेशनल पार्ट सेम है। तो 4 रूट थ्री को अगर आप 2 रूट थ्री से डिवाइड करोगे तो कितना, मतलब जो मल्टीपल हम बोलते हैं ना एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री टाइम्स, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो 4 रूट थ्री जो है वो 2 रूट थ्री का 2 टाइम्स है और 4 रूट थ्री का 1 टाइम है। तो यानी कि जो लाइक हम मल्टीपल ले रहे हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ले रहे हैं, इसलिए पहले वाले में मना कर दिया था, क्योंकि पहले वाले में जो इंटीग्रल मल्टीपल आएगा वो इंटीग्रल आएगा ही नहीं। यानी कि 2 रूट टू और 2 रूट थ्री का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल कॉमन नहीं आएगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 2 रूट टू का पहला मल्टीपल होता है 2 रूट टू, सेकेंड होगा 4 रूट टू, 6 रूट टू, फिर 2 रूट थ्री का आएगा 2 रूट थ्री, 4 रूट थ्री, 6 रूट थ्री। तो उनका कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल सेम नहीं आएगा, इसलिए हम बोलते थे एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अब एग्जिस्ट करेगा क्योंकि 2 रूट थ्री का सेकेंड मल्टीपल 4 रूट थ्री होता है और 4 रूट थ्री का फर्स्ट मल्टीपल 4 रूट थ्री होता है, इसलिए एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। और ये क्या होगा आपका, क्लियर है? आई बेटा सभी को समझ में? मतलब इसका ग्राफ तो लाइक प्लॉट करना टफ है, बट अगर ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे तो इतने पीरियड बाद मतलब 4 रूट थ्री बाद वो क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप बेटा कॉम्पोजिशन फंक्शन का कैसे निकालते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे बताते हैं, दूसरा पीरियडिक फंक्शन क्या होता है और पीरियड कैसे निकालते हैं फंडामेंटल पीरियड समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसका एक लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर रिकॉल कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में, प्लस एक हम करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद खत्म करेंगे फंक्शन, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? अपने यार वो डोमेन रेंज बेटा सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी मैंने कराए नहीं है अलग से, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी डोमेन रेंज वो टेबल आपको लाइक याद होनी चाहिए टिप्स पे, कि साइन वर्स एक्स का डोमेन क्या होता था, रेंज क्या होता था, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, सेक कॉस एक्स सारे, ठीक है बेटा। अच्छा ये जो नोट्स है बेटा, और नोट्स जो है मैं ड्राइव पर ही ऐड कर रहा हूँ, जो आपका सबके पास एक्सेस है ना बेटा ड्राइव का? ना सर, नहीं है सभी के पास, ड्राइव शेयर नहीं हुई है बेटा लिंक सभी के साथ? नो सर, ओके, नो सर, साइट पर मिल जाता है, साइट पर, अच्छा मैं अभी बोल देता हूँ, नहीं तो ग्रुप ग्रुप पे आप सारे एडिट तो हो ना जी वाले, ठीक है मैं बोल देता हूँ, वो ड्राइव कर लेंगे आपसे शेयर कर लेंगे, तो लाइक सारे चैप्टर वाइज उसमें नोट्स लाइक आपको मिल जाएंगे डेट वाइज, तो आप एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। फंक्शन वाले चैप्टर में डालूंगा जो मैं नोट्स बनाए, ठीक है, ओके चलो, थैंक यू बेटा, एंड थैंक यू ओके।
हाँ कॉपी मैंने भेज दिया बेटा, ठीक है ओके। थैंक यू सर। ओके बेटा चलो रिवाइज करना ये, और नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और सब डोमेन रेंज अपने लर्न करके आना, और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक करेंगे फंक्शनल इक्वेशन, उसमें भी मीन्स देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, बाय बाय।